दस तारीख तक आप लोग रूम खाली करके चले जाओ, वरना नहीं हम मार के यहाँ से भगाएंगे। कह रहे कि भाई यहाँ से भागो, अभी आने के नहीं हो, वापस नहीं आ रहे। तो ये बेचारे परदेसी आदमी ने बोले, हमारे भैया हमारे ठेकेदार ने हमको पैसा दिया नहीं है और हम बहुत मजबूरी में जा रही है और हम लोग बहुत गरीब में जा रहे हैं और हमारी हालत बहुत डोन है और ना हमको बोनस मिला है ना पगार मिला है। Last week, an enraged mob attacked this slum in the aftermath of the rape of a 14-month-old girl in Sabarkantha district of Gujarat. The girl belonged to the Thakur community, and the mob, allegedly also from the Thakur community, attacked around 17 homes belonging to migrant workers and laborers from UP and Bihar. Those families have fled their homes, yet there are many people from UP and Bihar with their families who are still living here in peace with their neighbors. They've been assured their safety by the locals and the police, and around 20 to 30 persons were detained from this locality about a couple of days back by the cops. दस तारीख तक आप लोग रूम खाली करके चले जाओ, वरना नहीं हम मार के यहाँ से भगाएंगे। कल रैली होने वाली, पूरा गुजरात बंद है कल। अच्छा, इसके बाद वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उन लोगों ने बोला, इसलिए हम लोग चल दिए। आप दिल्ली जा रहे हैं जी अपने घर वापसी? घर वापसी क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस वही थोड़ा सा वहाँ से वो जो बाहर के लोगों को है वो थोड़ा कह रहे हैं कि यहाँ से भागो वापस, अब जब तक मामला ठंडा नहीं होगा जब भी आएंगे जी मामला। कंपनी वाला बोला पगार सबके दे दिया, बोला घर जाओ, अभी आने के नहीं हो। ये बेचारे जो जितने भी है ना गरीब आदमी ने, ये बेचारे मजबूरी में जा रहे और वो यूं जा रहे कि जैसे इधर बाजू कोई बच्ची के साथ कुछ ऐसा काम हो गया है सर। तो ये बेचारे परदेसी आदमी ने बोले, हमारे भैया हमारे ठेकेदार ने हमको पैसा दिया नहीं है और हम बहुत मजबूरी में जा रही है और हम लोग बहुत गरीब में जा रहे हैं और हमारी हालत बहुत डोन है और ना हमको बोनस मिला है ना पगार मिला है। कंपनी वाले बोलते हैं कि तुम कंपनी में रहो तब तक सेफ्टी है, कंपनी के बाहर कुछ होगा तो हमारा जिम्मेदारी नहीं है। अभी तो ठीक है, वो दो दिन पहले थोड़ा ऐसा हुआ था, थोड़ा वो कहीं बाहर के कुछ आए थे यहाँ पर रुमाल रुमाल बांध करके। अच्छा, तो ये इधर बोले सब निकालो भैया जी को, निकालो भैया जी को, निकालो, ऐसा करके बोल भगाए। तो ये बेचारे तो सब चले गए, लेकिन हमारे तो कुछ, हम तो अंदर में, हम तो 50 साल से यहाँ, 55 साल से हैं। गिनती तो क्या होती है कि परदेसी हैं, हाँ, और हमारे आजू बाजू कम से कम 100 घर की बस्ती है। किसी ने हमको टॉर्चर नहीं किया, कि ऐसा भी नहीं बोला कि आप जाइए। मैं बेधड़क गल्ले पे जाता था, रिक्शा वो ऑटो चला था, मेरे भाई दो सर्विस भी करते हैं, रोड डेली सर्विस, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 48 घंटे में कोई घटना नहीं घटी है, सभी को सुरक्षा अच्छी तरह से दी जा गई है। गुजरात के लोगों को भी मैं अपील करता हूँ कि शांति और सद्भावना रखे। जिस बच्ची पर बलात्कार हुआ उसको 24 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माननीय श्री विजय रूपाणी जी से मेरी स्वयं बातचीत हुई है और विजय रूपाणी जी ने मुझे इस बारे में स्पष्ट बताया है कि गुजरात में पिछले 3 दिनों में कोई भी घटना नहीं घटित हुई है। गुजरात एक शांतिप्रिय प्रदेश है, इस देश के विकास का एक मॉडल प्रदेश है और गुजरात के विकास से जो लोग ईर्ष्या रखते हैं, वे लोग जब उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि जिसने कोई पहले गलती की है, अपराध किया है, उसको तो निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए और उस पर पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उसके बारे में इस तरह की धारणा नहीं रखनी चाहिए। तो वहां भी इसके लिए वहां की सरकार पूरी सतर्क है, सचेत है और कल ही हमारी बातचीत हुई है।